हेलो दोस्तों, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम एट द स्टडी 91 चैनल। मैं नागेन मिश्रा विद चाइल्ड साइकोलॉजी आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत हुआ हूं लेकर। दोस्तों, अभी तक पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ा या पिछले लेक्चर्स में जो चीज़ें हमने डिलीवर की वो आप लोगों को बताया कि लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी स्मृति एवं विस्मृति पर। तो दोस्तों, अब स्मृति और विस्मृति चूंकि यह एक उच्च मानसिक क्रिया थी और उस मानसिक क्रिया को ही हम लोग आज क्या करेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस में लेते हुए एक नए चैप्टर का आगाज करते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है और जिसका हमारे व्यवहारिक जीवन में बेहद उपयोग होता रहता है। और उस चैप्टर का नाम है अवधान एवं रुचि। दोस्तों, अवधान एवं रुचि ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं, दो ऐसे कारक हैं, दो ऐसे मनोवैज्ञानिक एलिमेंट हैं जिनके आधार पर हमारे क्या होता है, अधिगम और अध्यापन की प्रक्रिया क्या होती है, संचालित होती है। अर्थात अवधान, जिसे हम सामान्य शब्दों में ध्यान कहते हैं, अर्थात ध्यान को हम लोग अव विशेष अव उपसर्ग लगने के कारण हम लोग इसे अवधान कहते हैं, और रुचि जिस रुचि के कारण ही क्या करते हैं, अवधान की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अवधान जो होता है, रुचि उसकी पूर्ववर्ती अवस्था होती है। अर्थात जब आपको किसी विषय वस्तु में रुचि होती है तभी आप क्या करते हैं, किसी विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं। अतः हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अवधान जो होता है यह हमारी एक विशेष प्रकार की सक्रिय मानसिक क्रिया होती है। दोस्तों, सक्रिय मानसिक क्रिया का तात्पर्य, कहने का आशय यह है कि हम क्या होते हैं, पूर्णतः मानसिक रूप से जब कहीं एकाग्रता स्थापित करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम अवधान कहते हैं। अवधान को अंग्रेजी में अटेंशन कहते हैं और हिंदी के सामान्य शब्दों में इसे हम लोग ध्यान कहते हैं या ध्यान देने से संबंधित समझते हैं। दोस्तों, रुचि जो होती है, चूंकि अवधान और रुचि का एक अंतर संबंध है, जब हमारे हमें किसी विषय वस्तु में विशेष रुचि होती है तभी क्या करते हैं, हम निश्चित विषय वस्तु की तरफ अवधान करते हैं। अतः अवधान के कंसेप्ट को समझने से पहले हम इस बात पर विशेष ध्यान दे लें कि अवधान और रुचि का संबंध क्या है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, रुचि अवधान की पूर्ववर्ती अवस्था है जबकि अवधान रुचि की उत्तरवर्ती अवस्था है, अर्थात बाद की अवस्था, और पूर्ववर्ती मतलब पहले की अवस्था। अतः हम कह सकते हैं रुचि अवधान के पहले की अवस्था है और अवधान रुचि के बाद की अवस्था है। दोस्तों, अभी मैंने एक शब्द यूज किया, अवधान एक सक्रिय अवधारणा, सक्रिय मानसिक अवधारणा है। सक्रिय क्या होता है, जब हम किसी विषय वस्तु के प्रति क्या होते हैं, जब हम सक्रियता दिखाते हैं तो अर्थात हम उसको क्या करते हैं, वहां पे हम मानसिक रूप से एकाग्र हो जाते हैं और यह एकाग्रता ही हमारी क्या कहलाती है, ध्यान कहलाती है। दोस्तों, अवधान को अगर हम तोड़कर समझते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवधान क्या है, सक्रिय प्रतिक्रिया है, अर्थात यह एक टाइप से क्या है, एक्टिव रिएक्शन है, और इसी एक्टिव रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है, अवधान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम सक्रिय प्रतिक्रिया कब करते हैं, हम सक्रिय प्रतिक्रिया तब करते हैं जब क्या करते हैं, हम अपने चेतना का केंद्रीकरण करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया है दो शब्द होते हैं, चेतना और अचेतना। दोस्तों, चेतना जो होता है वह उसका संबंध हमारे तात्कालिक अनुभूतियों, तात्कालिक क्रियाकलापों से संबंधित होता है, जबकि अचेतन क्या होता है, यह एक निष्क्रिय अवस्था है जिसमें प्राणी क्या होता है, विशेष प्रकार की या किसी प्रकार की अनुक्रियाएं नहीं करता है। अतः चेतन का संबंध क्या है, विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा अनुक्रियाओं से संबंधित है। दोस्तों, चेतना यहाँ पे सिर्फ हमारे एक्ट अर्थात कार्य करने से, क्रिया प्रतिक्रिया से नहीं है, बल्कि यह क्रिया प्रतिक्रिया आपके कई स्तरों में है। अर्थात जब हम मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं, अर्थात हमारी चेतना क्या होती है, वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं, और चेतना क्या होती है, अगर और सरल शब्दों में इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए आप किसी निश्चित वातावरण में बैठे हैं और उस निश्चित वातावरण में बैठने के साथ ही उस आसपास की जितनी बाह्यगत वस्तुएं हैं, अर्थात पेड़ पौधे, चारपाई, इस तरीके से टेबल, मेज, कुर्सी इत्यादि चीजें जो हैं, उसकी अवधारणा आपके मस्तिष्क में विद्यमान है, अर्थात ये चीजें हमारे आसपास हैं। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि हमारी चेतना क्या है, वहां के संबंधित वातावरण से, सभी पक्षों से है। अतः हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि इंद्रियों की सक्रियता या इंद्रियों का वर्तमान वातावरण में वस्तुओं के साथ जो कनेक्शन होता है वही हमारी क्या होती है, चेतना होती है। अर्थात एक निश्चित वातावरण में इंद्रियों का
उस वातावरण में उपस्थित समस्त उद्दीपकों के साथ क्या करना, अनुक्रिया करना या अंतरक्रिया करना ही चेतना है। अब चेतना की बात जब हम करते हैं तो चेतना का संबंध क्या है अवधान से, इस बात को हम लोग कोरिलेट करके देखते हैं। दोस्तों चूंकि हमने अभी बताया कि यह क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की सक्रिय प्रतिक्रिया है, अर्थात इसमें क्या होता है, प्राणी अथवा मनुष्य पूर्णतः क्या होता है, सक्रिय होता है। सक्रिय होने का आशय क्या है, चेतन होता है। तो दोस्तों यहां पे हम लोग चेतना से इसका संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात चेतन व्यक्ति सक्रिय प्रतिक्रिया कब करेगा, जब व्यक्ति चेतन युक्त होगा, जब व्यक्ति में चेतनता होगी। और यही चेतनता क्या करती है, व्यक्ति के अवधान को प्रेरित करती है। तो दोस्तों मैंने एक चीज बताया कि चेतना क्या है, यहाँ पे चेतना जो होती है वह हमारे संबंधित वातावरण से चारों तरफ बनी होती है, अर्थात हम क्या कहते हैं कि जहां जहां के आसपास के जितने भी वातावरण के संबंधित वस्तुएं होती हैं उन सबसे संबंधित क्या होता है, उसका कनेक्शन होता है। तो अगर हम ऐसे नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करें कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के आसपास की जितनी वस्तुएं होती हैं वह हमारी चेतना का विषय होता है। और इसी चेतना के विषय को ध्यान में रखते हुए जब हम इसी चेतना का क्या करते हैं, केंद्रीकरण कर देते हैं कहीं पर भी, जब हम क्या करते हैं चेतना का केंद्रीकरण कर देते हैं, अर्थात चेतना को कहीं भी केंद्रित कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अवधान। दोस्तों यही चेतना जो हमारी चेतना है समस्त, अर्थात हमारे वातावरण में चारों तरफ जो हमारी चेतनाओं का आवरण आबद्ध है, या हमारे जो चेतनाएं चारों तरफ से चलायमान है, जो एक्टिव है, जो सक्रिय है, उन्हीं का हम जहां पे केंद्रीकरण कर देते हैं यही विषय वस्तु कहलाता है अवधान। एग्जैक्ट दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता यहां पे आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। अर्थात सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी विषय वस्तु के प्रति चेतना का केंद्रीकरण, किसी विषय वस्तु के प्रति, मान लीजिए यहाँ पे निश्चित विषय वस्तु है और किसी निश्चित विषय वस्तु के प्रति चेतना का केंद्रीकरण जो है वह क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। अतः हम लोग क्या कर रहे हैं, चेतना हमारे तरफ क्या होती है, चेतना हमारे वातावरण में चारों तरफ उपस्थित होती है और इसी चेतना का जहाँ पे हम केंद्रीकरण कर देते हैं वही हमारा कहलाता है अवधान। दोस्तों ये एक अच्छी डेफिनेशन तैयार भी हो गई 2018 में 6-8 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी विषय वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है, यह किसका स्टेटमेंट है। तो दोस्तों यह सुंदर सा स्टेटमेंट, यह सुंदर सी परिभाषा डमविल साहब की है, एक मनोवैज्ञानिक है डमविल साहब ने कहा कि चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान कहलाता है। अतः डमविल साहब के अनुसार चेतना का क्या होता है, केंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, अवधान कहलाएगा। दोस्तों फिर आते हैं दूसरे पक्ष में, कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं चूंकि उन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। एक महोदय हुए, उन्होंने कहा, वैलेंटाइन महोदय ने, उन्होंने कहा कि चेतना क्या होती है, मस्तिष्क की संपूर्ण क्रिया न हो, चेतना मस्तिष्क का बल न होकर या चेतना मस्तिष्क का प्रभाव न होकर संपूर्ण मानसिक क्रिया है। तो दोस्तों ये जो संपूर्ण हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं यह भी क्या होती हैं, यह भी हमारा अवधान है। अर्थात अवधान अवधान मस्तिष्क का बल न होकर, अवधान मस्तिष्क का प्रभाव न होकर संपूर्ण मानसिक क्रिया है। अर्थात अवधान के अंतर्गत अवधान हम कब करते हैं, जब हमारा क्या होता है, मानसिक चेतना जहां पर केंद्रीकृत हो जाती है उसी को हम लोग कहते हैं ये चेतना है। अर्थात हम दो शब्दों में इसको डिफाइन कर सकते हैं, पहली तरीके से तो ऐसे बता सकते हैं कि किसी चेतना का किसी विषय वस्तु पर केंद्रीकरण, यहाँ पे मान लीजिए कोई विषय वस्तु हो जाएगा तो किसी चेतना का किसी विषय वस्तु पर केंद्रीकरण ही क्या कहलाएगा, अवधान कहलाएगा। अतः हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चेतना हमारे आसपास के वातावरण में समय जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा अस्तित्व होता है, चारों तरफ विद्यमान होता है और उस चेतना को हम जहाँ केंद्रीकृत कर देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। अतः डमविल साहब ने परिभाषित करते हुए बताया है कि किसी विषय वस्तु का चेतना पर केंद्रीकरण क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। जबकि वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि अवधान चेतना अवधान जो होता है वह मस्तिष्क का बल न होकर या मस्तिष्क का प्रभाव न होकर संपूर्ण मानसिक क्रिया होता है। तो दोस्तों मेरे कहने का आशय आप इतना कंसेप्ट तो समझ गए होंगे कि अवधान क्या है। सामान्य शब्दों में हम बता सकते हैं कि अवधान एक प्रकार की सक्रिय मानसिक प्रतिक्रिया है। एक सक्रिय मानसिक प्रतिक्रिया होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे चेतना का जहां पर केंद्रीकरण हो जाता है वही क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं अवधान के प्रकार पे।
अर्थात अवधान के वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों इसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है, लेकिन जो हम लोग ऑथेंटिक तरीके से बात करते हैं, जो मुख्य रूप से है, वो तीन प्रकार के अवधान का वर्णन हमारे मनोविज्ञान में मिलता है। वो जो तीन जो तीन वर्णन मिलता है उसके प्रकार जो है आपके समझ लीजिए अवधान के प्रकार। दोस्तों अवधान के प्रकार के अंतर्गत जो तीन प्रकार के अवधान का उल्लेख मिलता है वो तीनों इस प्रकार से हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्षात्मक अवधान का संबंध यह होता है कि जब हमारी इंद्रिय क्या होता है, किसी प्रत्यक्ष ज्ञान को लेकर इंद्रिय हम लोग क्या करते हैं, अर्थात इंद्रिय तरीके से, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से तो हम अवधान केंद्रित किए रहते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, वैचारिक एकाग्रता नहीं होती। तो दोस्तों आप निश्चित तरीके से आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये किस प्रकार की एकाग्रता है। निश्चिंत रहिए, आप मेरे साथ लगे रहिए इस टॉपिक पे, अंततः आपके सारे समस्याओं सारे क्वेरी का निवारण अपने आप ही हो जाएगा। पहला होता है प्रत्यक्षात्मक, अर्थात यह वह चेतना होती है जिसका संबंध किससे होता है, हमारे अनुभवों से होता है, अर्थात मूर्त क्रियाओं से होता है। जब हम किसी विषय वस्तु को देखकर, उस पर अवधान केंद्रित करते हैं तो यह हमारा प्रत्यक्षात्मक अवधान कहलाता है, किंतु यह शर्त नहीं है कि हम वैचारिक रूप से उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, हम अवधान दो प्रकार से देखते हैं। कभी कभी हम निश्चित विषय वस्तु को देखते तो रहते हैं, किंतु वो क्या कह रहा है, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इत्यादि चीजों पर हम ध्यान नहीं देते, तो इस प्रकार का अवधान प्रत्यक्षात्मक अवधान कहलाता है, अर्थात ऐसे अवधान को हम लोग मूर्त अवधान भी कहते हैं। दूसरा अवधान का प्रकार जो है आपका वो है प्रत्यात्मक। दोस्तों प्रत्यात्मक का मतलब होता है विचारात्मक। प्रत्यय का तात्पर्य होता है विचार और प्रत्यात्मक का मतलब होता है वैचारिकता से, अर्थात ऐसा अवधान जब हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष तो अवधान नहीं केंद्रित करते, किंतु हम क्या करते हैं, वैचारिक रूप से अपने ध्यान को केंद्रित किए रहते हैं, तो ऐसे अवधान को प्रत्यात्मक अवधान हम लोग कहते हैं। दोस्तों एक और सबसे बड़ी खासी बात है कि यह अवधान जो होता है इसका स्वरूप अमूर्त प्रकार का होता है, अर्थात यह सामने रहे या न रहे लेकिन इसके बारे में क्या होता है, हमारा अवधान केंद्रित रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अवधान के दो मुख्य प्रकार अभी तक हमने बताया, पहला प्रत्यक्षात्मक, अर्थात हम इंद्रियों से क्या करते हैं, अवधान तो देते हैं लेकिन उस पर क्या करते हैं, वैचारिक जुड़ाव हमारा नहीं होता, इस प्रकार के अवधान को प्रत्यक्षात्मक अवधान कहते हैं। जबकि प्रत्यात्मक अवधान के अंतर्गत निश्चित विषय वस्तु पर हम क्या करते हैं, विचार तो करते हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्रत्यक्षात्मकता का अभाव होता है, अर्थात हम उस पर देखने या इंद्रिय क्रियाएं नहीं करते, अर्थात देखते वेखते नहीं। थर्ड है आभ्यासिक। दोस्तों ये आभ्यासिक जो होता है यह आपके एक प्रकार से क्या होता है, आदतों से संबंधित होता है। आभ्यासिक से क्या संबंधित समझने की कोशिश करिएगा। आभ्यासिक अवधान वह अवधान कहलाता है जब हम किसी विषय वस्तु या किसी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति करते रहते हैं, उसका अभ्यास करते रहते हैं, तो वह हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है और वह निश्चित आदत का हिस्सा जो है हमारे अवधान को केंद्रित करने का एक विशेष प्रकार है। जैसे आप व्यवहारिक जीवन में जाकर देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपका एक टाइम टेबल है कि आप सुबह 10 बजे लंच करते हैं और 1:30 बजे आप अपना जो है सुबह 10 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं और 1:30 बजे के आसपास अपना लंच करते हैं। जब आप लंच करने का टाइम होता है मान लीजिए, और आप मान लीजिए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही 1:30 बजेगा आपके अंदर आपकी शारीरिक भूख होने के साथ साथ क्या होता है, आप मानसिक तौर पर भी आपका ध्यान क्या होता है, भोजन की तरफ अर्थात लंच की तरफ केंद्रित होता है। अतः यह एक प्रकार का आभ्यासिक अवधान होता है। तो दोस्तों अवधान तीन प्रकार के होते हैं, पहला प्रत्यक्षात्मक, दूसरा प्रत्यात्मक और तीसरा आभ्यासिक। प्रत्यक्षात्मक के अंतर्गत क्या होता है, हम इंद्रियों के साथ तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान पर तो ध्यान देते हैं, किसी विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं, किंतु क्या होता है, उसमें वैचारिकता का अभाव होता है। जबकि प्रत्यात्मक के अंतर्गत क्या होता है, हम वैचारिक तरीके से अवधान को केंद्रित करते हैं किंतु भले ही हम उसका प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यय या उसको देखें या ना देखें। तीसरा होता है दोस्तों अभ्यास। यह अभ्यास वह होता है कि अभ्यास या पुनरावृत्ति के कारण जब किसी निश्चित विषय वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है तो हम यह कहते हैं कि यह आभ्यासिक प्रकार है अवधान का, अर्थात हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं, हम उसके हैबिचुअल हो चुके हैं।
दोस्तों यह तो एक सामान्य प्रकार था जो मनोवैज्ञानिकों के तरीके से बताया गया, लेकिन एक और प्रकार जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह पूछा गया हुआ प्रश्न है। जेम्स रॉस महोदय हुए, उन्होंने अवधान का वर्गीकरण कुछ विशेष प्रकार से किया है जिसको हम लोग ध्यान देते हैं। जेम्स रॉस साहब ने कहा कि अवधान जो होता है हमारा, यह क्या होता है, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। उन्होंने कहा यह मुख्यतः क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक क्या होता है दोस्तों, जो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है वह क्या होता है, ऐच्छिक होता है। अर्थात ऐच्छिक अवधान वह होता है जिनमें हमारी इच्छाएं क्या होती हैं, अंतर्निहित होती हैं, अर्थात यह हमारे विचारों पर, हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। दूसरा प्रकार जो होता है वह होता है अनैच्छिक। दोस्तों हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खासी बात क्या होती है, भले ही हमारी रुचि ना हो, भले ही वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन हमें उसे अवधान कर, रुचि भले ही ना हो लेकिन अवधान हम उस पर करते हैं, किंतु वह महत्वपूर्ण होती है, उद्देश्य पूर्ण होती है। साथियों जैसा आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर हमारी क्या होती है, हम अनैच्छिक तरीके से उस पर अवधान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी विषय वस्तु का एक अंग है और उस विषय वस्तु के अंग के बिना हम परीक्षा को उत्तीर्ण करने हमें क्या होगी, असहजता होगी। अतः हम लोग क्या करते हैं, मजबूरन उस पर ध्यान देते हैं। अर्थात ऐसा अवधान जिसमें हमारी स्व इच्छाएं शामिल नहीं होती, उन्हें हम अनैच्छिक अवधान कहते हैं। रॉस साहब आगे वर्गीकरण करते हुए बताते हैं कि ये जो ऐच्छिक अवधान होता है यह भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहला होता है विचारित, अर्थात विचारों के माध्यम से जब हम किसी विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं विचारित अवधान। और दूसरा प्रकार जो होता है वह होता है अविचारित अवधान। दोस्तों विचारित अवधान का तात्पर्य यहाँ पे अभी जो मैंने आपको अवधान के प्रकार के अंतर्गत प्रत्ययात्मक बताया, अर्थात विचारित अवधान के अंतर्गत हम किसी निश्चित विषय वस्तु पर जो अवधान देते हैं उसका स्रोत, उसका माध्यम क्या होता है, विचार होता है। जबकि अविचारित वह होता है, अविचारिक अवधान वह अवधान कहलाता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग प्रत्यक्षात्मक, अर्थात विषय वस्तु को क्या करते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण तो करते हैं किंतु क्या करते हैं, वैचारिक रूप से उसके साथ क्या होते हैं, अंतर संबंधित नहीं हो पाते। जैसा कि भी मैंने एक उदाहरण आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है जीवन में हम कुछ चीजें जैसे मान लीजिए कभी आप घर में लेटे हैं, आप क्या करते हैं कभी कभी टेलीविजन देखते रहते हैं, लेकिन टेलीविजन देखते रहते हैं सामने वाला एंकर बोल भी रहा है लेकिन आपका विचार जो है, आपका ध्यान कहीं और रहता है, सिर्फ आप उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, उसके प्रत्ययों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अर्थात उससे वैचारिक रूप से जुड़ाव या संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अतः ऐसा जो अवधान होगा उसे हम अविचारित अवधान कहते हैं। और अनैच्छिक अवधान जो होता है यह भी मुख्यतः हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है। और ये जो दो प्रकार होते हैं, पहला होता है सहज। दोस्तों आपने सहज क्रिया और बाध्य क्रिया का नाम, सहज क्रिया का नाम सुना होगा। सहज क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, यंत्रवत करते हैं, अर्थात जो हमने जन्मजात प्राप्त होती है। अतः हमारा सहज अवधान क्या होता है, सहज अवधान हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सहज अवधान का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। किससे होता है दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों से, बेसिक इंस्टिंक्ट से होता है। और ये मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, ये एक विशेष प्रकार की चालकता होती है जो प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है। और यह क्या होता है, जन्मजात होता है। और प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों का संबंध निश्चित संवेगों से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा अवधान होता है, एक सहज अवधान होता है और दूसरा क्या होता है, बाध्य अवधान होता है। बाध्य अवधान क्या होता है दोस्तों, बाध्य अवधान वह अवधान होता है जिसमें हमारी क्या होती है, इच्छा शामिल नहीं होती, लेकिन हम क्या होते हैं, मजबूर होते हैं। इच्छा ना शामिल होने के बावजूद भी हमें उस पर अवधान देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों मैंने अभी एग्जाम्पल का एक वर्णन दिया आपको, एक एग्जाम्पल बताया मैंने कि अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी तथ्य महत्वपूर्ण है, भले ही वह आपके लिए रुचिकर नहीं है, किंतु क्या है, यह आपकी बाध्यता है कि आप उस विषय वस्तु पर अवधान केंद्रित करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि
बाध्य अवधान वह अवधान होता है जिस पर हमारी स्व इच्छाएं निश्चित नहीं होती, स्व इच्छाओं के विरोध में होता है, किंतु वह हमारा उसमें हमारा उद्देश्य तथा हमारा एक निश्चित लक्ष्य निहित होता है। अतः उसके प्रभाव या उसके दबाव के कारण हम अवधान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार के अवधान को हम लोग बाध्य अवधान कहते हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं, रॉस साहब ने मूल रूप से मुख्य प्रकार से दो प्रकार के अवधान में विभाजित किया है। पहला ऐच्छिक, ऐच्छिक जो होता है जिसका संबंध हमारे, जिसको उन्होंने दो प्रकार में, ऐच्छिक मतलब होता है जो हमारी स्व इच्छाओं से संबंधित हो, अर्थात स्व इच्छाओं से संबंधित हो, अतः हम कह सकते हैं यह क्या होता है, स्व इच्छाओं से संबंधित होता है। और यह दो प्रकार का होता है, एक विचारित होता है और एक अविचारित होता है। विचारित में हम लोग क्या होते हैं, विचारों के माध्यम से अवधान केंद्रित करते हैं, और अविचारित में क्या कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक, अर्थात हम लोग देखकर अवधान केंद्रित करते हैं किंतु वैचारिक अवधान का कनेक्शन नहीं होता। जबकि अनैच्छिक के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, सहज, सहज का संबंध हमारी मूल प्रवृत्तियों से होता है जिस पर हम न चाहते हुए भी हमारा अवधान केंद्रित होता है। दोस्तों सहज का एक उदाहरण और आप समझिएगा, सहज अवधान कैसे, जैसे अगर आपको भूख लग गई है तो फिर आपको खाने पे ध्यान देने वाली बात नहीं है, आपको खाना चाहिए चाहिए वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी है तब आप क्या करेंगे, तब उस चीज पर ध्यान नहीं देंगे। अतः सहज अवधान का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है, और यह क्या होती है, ये जन्मजात होती हैं, और इनका संबंध हमारे शारीरिक आवश्यकताओं से होता है जिसे हम सहजतापूर्ण जिस पर अवधान केंद्रित करते हैं। लास्ट है दोस्तों अनैच्छिक के अंतर्गत लास्ट है बाध्य, जहां पे क्या होता है, हमारा कोई निश्चित हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है, भले ही वह हमारे लिए अरुचिकर होता है किंतु हम उस पर क्या करते हैं, अवधान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों ये थे जेम्स रॉस के अनुसार अवधान के प्रकार। दोस्तों अब चूंकि अभी तक हमने दो चीजों पर अध्ययन किया, एक तो हमने अवधारणा को समझा, अवधान क्या है, अवधान का कंसेप्ट क्या है, अर्थात चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान कहलाता है। लेकिन अब सेकेंड स्टेप में हम लोग बात करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं जो अवधान को प्रभावित करते हैं। दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक बना लीजिएगा, अवधान को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात अवधान को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों ये भी दो प्रकार का होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यह दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार का कैसे होता है ये आप निश्चित तरीके से देखिएगा। दोस्तों अवधान की प्रक्रिया क्या होती है, आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। जैसे मैंने कहा कि जब आप प्रत्यक्षात्मक अवधान पर ध्यान देते हैं या बाह्य अविचारित तरीके से होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष तरीके से किसी विषय वस्तु को मूर्त तरीके से देखकर अवधान केंद्रित करते हैं। लेकिन कुछ अवधान केंद्रित करने की अमूर्त दशाएं भी होती हैं, अर्थात जो आंतरिक तरीके से हमें ध्यान देने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों अवधान को प्रभावित करने वाले दशाओं में इसकी दो दशाएं हैं, एक तो आंतरिक होता है अर्थात जो अंदर से हमें ध्यान देने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, और एक बाह्य होता है जिसके आधार पर हमारा ध्यान या अवधान क्या होता है, केंद्रित होता है। तो हम सामान्य तरीके से कह सकते हैं कि अवधान को केंद्रित करने के लिए दो दशाएं होती हैं, एक आंतरिक होता है एक बाह्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका संबंध विचारों से भी होता है और इंद्रियों से भी होता है, या यह ऐच्छिक भी होती है और यह विचारित भी होती है और अविचारित भी होती है। अतः आंतरिक के अंतर्गत हम लोग वो कौन कौन से फैक्टर होंगे, पहला तो दोस्तों रुचि होगी, जब किसी निश्चित विषय, ये हमारा आंतरिक कारक है दोस्तों, विशेष ध्यान दीजिएगा ये आंतरिक कारक है, अर्थात आंतरिक कारक के अंतर्गत जब तक हमें किसी विषय वस्तु में रुचि नहीं होगी हम क्या करेंगे, अवधान केंद्रित नहीं करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि अवधान को केंद्रित करने के लिए हमारा आंतरिक जो दशा होती है, सबसे पहला मानदंड जो होता है वो क्या होता है, रुचि होता है। दोस्तों दूसरी चीज क्या होती है, आदत होता है। आदत के कारण भी हम लोग क्या करते हैं, यह भी आदत जो होती है, हालांकि आदत का निर्माण हमारे वातावरण में होता है लेकिन इसका संबंध क्या हो जाता है, हमारे मानसिक विचारों से हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं यह भी एक आंतरिक कारक है, रुचि है, आदत है। फिर क्या है, प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण है, मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति के बाद आपका क्या है, मानसिक स्वास्थ्य भी ले सकते हैं, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, हमारा आंतरिक होता है तो हम इसको ले सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य भी ले सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये जितने भी कारक हैं ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे
विशेष तरीके से। और एक चीज हम और ले सकते हैं, उद्दीपन, जो हमारी आवश्यकता या उद्दीपन ऑब्लिक आवश्यकता, अर्थात ये ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण क्या होता है, हमारा अवधान आंतरिक तरीके से प्रभावित होता है। दोस्तों सबसे पहली चीज होती है उद्दीपन या आवश्यकता। हमें जिस प्रकार, अगर हमें आंतरिक तरीके से आवश्यकता है किसी विषय वस्तु की, तो हम निश्चित तरीके से उस पर हमारा क्या होगा, अवधान केंद्रित होगा। दूसरी चीज है रुचि। रुचि के बारे में मैंने बताया, अगर आपको किसी विषय वस्तु में रुचि नहीं है तो निश्चित तरीके से आप उस पर अवधान केंद्रित नहीं करेंगे, और रुचि होगी तब उस पर आप अवधान केंद्रित करेंगे। थर्ड चीज है आदत। अगर कोई चीज आपकी आदत का विषय है तब भी उस पर आप क्या करेंगे, अवधान देंगे। अगर वह आपकी आदत का विषय नहीं है तो आप ध्यान नहीं देंगे। मान लीजिए आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जो लोग किसी विषय को किसी तरीके से एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, चूंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं, वो आदतन वो उस कार्य को करने लगते हैं, तो उनका ध्यान क्या होगा, उनका ध्यान उधर केंद्रित होगा। लेकिन जो सामान्य पुरुष है, जो सामान्य मानव है, जो सामान्य व्यक्ति है, जिसका उन नशेड़ी वस्तुओं से या नशाओं से कोई संबंध नहीं है, उसके लिए वह क्या है, वह बिल्कुल अलग चीज है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रशिक्षण। काफी लोगों के मन में यह लग रहा होगा, सर प्रशिक्षण तो वाह्य कारक लगता है। नहीं, प्रशिक्षण बिल्कुल आंतरिक कारक है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होता है, और व्यवहार में परिवर्तन होना हमारा एक आंतरिक कारक होगा, अतः प्रशिक्षण भी एक इसका आंतरिक कारक होगा। दोस्तों मनोवृत्ति, जो आपका एटीट्यूड होता है, अर्थात आपके मन की धारणाएं, आप कितने, आप कभी कभी लोग होते हैं क्या होते हैं, किसी निश्चित विषय वस्तु से पूर्व धारणा से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। अतः यह कहा जाता है कि मनोवृत्ति जो है वह व्यक्ति के आंतरिक कारक है जो अवधान केंद्रित करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मानसिक स्वास्थ्य। साथियों मानसिक स्वास्थ्य की बात अगर आप लेते हैं, तो जो व्यक्ति जब मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वह क्या कर पाएगा, निश्चित विषय वस्तु पर ध्यान दे पाएगा। अगर वह मानसिक रूप से अव्यवस्थित है, मानसिक रूप से थोड़ी सी मेंटली डिसऑर्डर की स्थिति है, तो वह अवधान केंद्रित नहीं करेगा। अतः दोस्तों जब आपसे पूछा जाएगा कि मानसिक या अवधान की आंतरिक दशाएं कौन कौन सी है, या अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, तो ये जो जितने भी टॉपिक यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, जितने भी पॉइंट लिखे हैं, ये आपके क्या होंगे, ये आंतरिक कारक होंगे। दोस्तों फिर हम लोग करते हैं वाह्य पे। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण हम लोग वाह्य से होते हैं। पहली बात तो होती है तीव्रता। तीव्रता क्या होती है, ये तेजी होती किसी चीज की। मान लीजिए एक उदाहरण लीजिए आप तीव्रता को समझने के लिए, सपोज दैट आप रोड पर चले जा रहे हैं आराम से। जब आप रोड पर जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, अचानक कोई व्यक्ति आपके बगल बहुत तेजी से निकल जाए, दौड़ता हुआ भागता हुआ, तो आपका अचानक क्या होगा, ध्यान केंद्रित होगा, यार क्या बात है, ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। अतः तीव्रता जो होती है यह भी अवधान को केंद्रित करने वाली वाह्य दशा होती है। दूसरी चीज होती है आकार। दोस्तों आकार में जैसे नॉर्मल आकार का व्यक्ति, यहाँ पे आप केवल व्यवहारिक जीवन से कोरिलेट करके इसको देखिए, जैसे कोई विषय वस्तु एक सीमित आकार में है, एक निश्चित आकार में है, तो निश्चित तरीके से वह एक सामान्य स्थिति है। लेकिन अगर उसके आकार में कुछ विशालकाय है या बहुत सूक्ष्म है, तो ऐसे आकार को देखकर हम लोग क्या होते हैं, हतप्रभ होते हैं। अब पता चला हम 6 फीट के आदमी हैं और अचानक कोई 6.5 फीट का आदमी हमारे बगल आके 8 फीट का आदमी खड़ा हो जाए, तो अचानक आपका ध्यान केंद्रित हो गया, यार ये तो बहुत बड़ा है जो है, इस तरीके से कैसे होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या होगी, और लंबाई होगी, भार होगा और भी क्या, और बहुत सारे फैक्टर्स आपके हो सकते हैं जो वाह्य तरीके से आपको प्रभावित करते हैं। रंग रूप होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों में 2 दशाएं होती हैं, एक आंतरिक कारक होता है और एक वाह्य कारक होता है। आंतरिक कारक के अंतर्गत उद्दीपन, रुचि, आदत, प्रशिक्षण, मनोवृत्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य होता है, जबकि वाह्य कारक के अंतर्गत तीव्रता, आकार, लंबाई, भार, रंग रूप, वाह्य स्थिति, उसका वाह्य आकार इत्यादि चीजें जो होती हैं, यह हमारे क्या करती हैं, अवधान को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। दोस्तों अवधान का अधिगम और अध्यापन में एक विशिष्ट महत्व है, इसीलिए अवधान और अधिगम को हम लोग विशेष तौर से अध्ययन करते हैं। एक नेक्स्ट पड़ाव आते हैं इस पे, अवधान के वो कौन कौन से पहलू हैं, अर्थात अवधान के वो कौन कौन से पहलू हैं जिसके अंतर्गत अवधान की क्या होते हैं या अवधान केंद्रित होता है। दोस्तों इसके भी क्या होते हैं, मूल रूप से 3 होते हैं पक्ष। पहला पक्ष होता है आपका ज्ञानात्मक,
दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा क्या होता है क्रियात्मक। दोस्तों अवधान के जो होते हैं वो मुख्यतः तीन पहलू होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आप अवधान या ध्यान केंद्रित कब करेंगे, जब आप किसी विषय वस्तु में जानकारी रखेंगे। मान लीजिए आप किसी विषय वस्तु को नहीं जानते और वो आपकी कक्षागत या आपके अगल बगल पास पड़ोस में उससे उस पर वार्तालाप हो रही है, उस विषय वस्तु में ना तो आपकी रुचि है और न ही आपको उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी है, तो निश्चित तरीके से क्या होगा, आप उस पर अवधान केंद्रित नहीं करेंगे। अतः ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत निश्चित विषय वस्तु का ज्ञान होना ही अवधान को केंद्रित करता है। दोस्तों दूसरी चीज क्या है, भावात्मक। अर्थात भावात्मक का संबंध यह है कि वह हम यहाँ पे अवबोध से है, अर्थात हमारी समझ से है। अर्थात उन विषय वस्तु में अगर वह हमारी समझ में नहीं है, वह हमारे भाव अर्थात वह हमें अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पे भावात्मक मतलब आपकी रुचि से हो गया, अर्थात वह हमें रुचिकर नहीं है, वह अच्छा नहीं लगता हमें, अतः हम लोग क्या करते हैं भावात्मक उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन यह अगर दोनों चीजें हैं तो हम लोग क्या करते हैं अवधान केंद्रित करते हैं। और तृतीय सोपान के अंतर्गत है क्रियात्मक। जब हम किसी विषय वस्तु को क्या करते हैं ज्ञानात्मक अर्थात उसमें जानकारी रखते हैं, उसमें समझ रखते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं उस पर अवधान केंद्रित करके उस पर क्या करते हैं एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया या एक्ट या उसको हम लोग व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अच्छा अवधान जब यहाँ पे और यहाँ पे हम अवधान इसीलिए केंद्रित करते हैं कि उसको हम लोग क्या करें उसे अपने क्रियात्मक स्वरूप अर्थात व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। जो भी चीज़ें हमारे लिए यूजलेस होगी क्या उस पर हम अवधान केंद्रित करेंगे, नहीं। अतः इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके तीन पहलू होते हैं ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक। अर्थात अवधान को केंद्रित करने के लिए सबसे पहले निश्चित विषय वस्तु, चूंकि हम कहाँ केंद्रित करेंगे, कोई भी अवधान जब केंद्रीकृत करेंगे तो निश्चित तरीके से कोई निश्चित विषय वस्तु होगी या कोई अधिगम का मुद्दा होगा, तो उसका सबसे पहले में क्या होगा ज्ञानात्मक पक्ष हमारा होना चाहिए, अर्थात उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अवबोधात्मक का मतलब होता है समझ होनी चाहिए, जानकारी के साथ यहाँ पे समझ होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए व्यवहारिक जीवन में उसे क्या करें क्रिया प्रतिक्रिया कर सके या उसे व्यवहारिक जीवन में क्या हो उसका प्रयोग कर सके। क्रियात्मक का तात्पर्य होता है हमारे व्यवहारिक पहलुओं से, अर्थात जिस चीज पे जिस विषय वस्तु पर हम ध्यान दे रहे हैं क्या उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग है। तो दोस्तों यह था आपका अवधान, परिभाषा हो गई, अवधारणा हो गया, अर्थ हो गया और इसके प्रकार हो गए। और अब रही बात विशेषताएं, तो विशेषताओं के बारे में आप एक चीज समझ लीजिए कि अवधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है, अगर विशेषताओं की बात करें तो दो तीन फैक्ट निकल के सामने आते हैं। यह हम कह सकते हैं कि अवधान जो होता है अवधान का संबंध चेतना से होता है। किससे होता है, अवधान का संबंध चेतना से होता है, ठीक है। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, यह एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। और तीसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि यह क्या होता है, यह अधिगम तथा अध्यापन के लिए नितांत आवश्यक है, अधिगम तथा अध्यापन के लिए नितांत आवश्यक है, अधिगम तथा अध्यापन के लिए आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम की लिए आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि अवधान जो होता है यह विशेष प्रकार से क्या होता है, हमें ये इसकी विशेषताएं होती हैं, अर्थात अवधान का संबंध निश्चित चेतना से होता है, अवधान जो होता है यह एक विशेष प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, अवधान से अधिगम तथा अध्यापन की प्रक्रिया संचालित होती है। और आप बता सकते हैं कि अवधान जो है यह निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होता है या उद्देश्य पूर्ण होता है, अवधान प्रयोजन पूर्ण होता है, अवधान के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं निश्चित उद्देश्यों या निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, इससे हम लोग इंद्रियानुभवी ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। अतः तमाम विशेषताएं हो जाएंगी जो हम यहाँ पे क्या करेंगे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मूल फैक्ट है यह अधिगम तथा अध्यापन के लिए क्या होता है विशेष उपयोगी होता है, क्योंकि अवधान के माध्यम से हम अधिगम तथा अध्यापन की प्रक्रिया संचालित करते हैं तथा अपने निश्चित लक्ष्य तथा निश्चित उद्देश्यों की क्या करते हैं पूर्ति करते हैं। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अभिरुचि पे, अगला पॉइंट है हमारा, क्योंकि अवधान और अभिरुचि हमने एक साथ जोड़कर अध्ययन करना चालू किया था, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिरुचि। अभिरुचि से क्या समझते हैं आप, अभिरुचि का मतलब होता है हमारी आंतरिक रुचि से।
अब क्या होता है आंतरिक रुचि, अर्थात हमारे अंदर रुचियां कैसे उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों रुचि के अभिरुचि के बारे में बताते हुए कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया है। इसका जो लैटिन भाषा है यह इंटरेस्ट से उत्पन्न है, इंटरेस्ट से उत्पन्न है, या एक लैटिन भाषा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लगाव होना, महत्वपूर्ण होना, अंतर करना, महत्वपूर्ण होना, महत्वपूर्ण होना, लगाव होना, अंतर करना, अंतर करना। अर्थात यहां पे हम एक चीज बात करना चाहेंगे कि अभिरुचि वह विशिष्ट प्रक्रिया है, अभिरुचि वह विशिष्ट प्रक्रिया है जो क्या होती है हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इससे हमारा क्या होता है, विशिष्ट लगाव होता है। और तीसरी चीज क्या होती है, यह अंतर करना। अंतर करना जो बताया भाटिया साहब ने कहा, इसका मतलब होता है, अंतर करने का तात्पर्य है कि जिस विषय वस्तु में हमारी रुचि होती है हम उसे क्या करते हैं, पहले उसे क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं कि यह हमारी रुचि है, यह हमारी अभिरुचि का हिस्सा है, या ये हमारे लिए रुचिकर है, इसको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अर्थात सामान्य से जब हम विशिष्टीकरण की प्रक्रिया करते हैं, सामान्य से अलगाव की प्रक्रिया को कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं अंतर हो गया, और यह भी हमारी रुचि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि यह तीनों ही रुचि की या अभिरुचि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और अभिरुचि शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से हुई है, जिसका अंग्रेजी वर्जन क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, अर्थात हम कह सकते हैं इंटरेस्ट होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रुचि के कारण ही क्या होता है, विशेष प्रकार का लगाव होता है या महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये तीन फैक्ट निकल के आए, अर्थात हमारे अभिरुचि क्या होता है, पहली प्रकार तो ये इसमें यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, दूसरी इसके प्रति हमारा विशेष लगाव होता है, और तीसरी इसका अर्थ होता है अंतर करना, अर्थात यह तीनों से इसकी साम्यता होती है। दोस्तों अभिरुचि के बारे में जो डेफिनेशन की बात अगर की जाए तो क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो किसी निश्चित विषय वस्तु के लिए अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है, अर्थात रुचि वह आंतरिक प्रणोदन है या आंतरिक उद्दीपक है जो निश्चित विषय वस्तु के प्रति अनुक्रिया करने के लिए क्या करती है, बाध्य कर देती है। और निश्चित तरीके से ऐसा होता है, जिस चीज में आपकी रुचि होती है, अभिरुचि होती है, उसके प्रति आप क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया करते हैं, सामान्य अनुक्रिया से हटकर क्या करते हैं आप, विशेष अनुक्रिया करते हैं। जैसे आप समझिए हम लोग क्या करते हैं, शादियों में जाते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उन सब वस्तुओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अर्थात सबसे पहले प्लेट में हम उन सब चीज़ों को प्लेस देते हैं जो चीज़ें हमारे लिए क्या होता है, रुचिकर होता है। अर्थात क्या करता है, आंतरिक तरीके से उसके प्रति अनुक्रिया करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है या उधर उद्वेलित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का आंतरिक प्रणोद है जो किसी निश्चित विषय वस्तु के लिए, किसी निश्चित विषय वस्तु के लिए अर्थात जो आपको रुचिकर है, किसी निश्चित विषय वस्तु के लिए क्या करता है, अनुक्रिया करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। तो ये तो परिभाषा थी आपके क्रो एंड क्रो महोदय के साहब, क्रो एंड क्रो महोदय साहब के अनुसार ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो का बताया है, वो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी रही है वो रहा है भाटिया साहब के अनुसार। भाटिया साहब ने कहा है कि रुचि का अर्थ होता है अंतर करना अथवा लगाव होना। यह अंतर और लगाव क्यों होता है, क्योंकि यह जो प्रक्रिया होती है अन्य वस्तुओं से, उस वस्तुओं से हमारा कुछ विशेष संबंध होता है, और उस विषय वस्तु के बारे में क्या होते हैं हम पूर्ण या पूर्व में, उस विषय वस्तु के बारे में हम क्या होते हैं, पूर्व में ही जागरूक होते हैं। अर्थात रुचि वह है जिसमें अंतर या अंतर करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो अन्य वस्तुओं से हमारे लिए क्या होती है, विशिष्ट होती है, और जिसका पूर्व में हम, जिसके पूर्व में जिसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, जागरूक होते हैं और तब अनुक्रिया करते हैं, तो वह क्या होती है, अभिरुचि होती है। तो ये दो डेफिनेशन निकल के सामने आती है, पहली क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग, दूसरी भाटिया साहब के अनुसार। क्रो एंड क्रो साहब क्या कहते हैं, रुचि वह आंतरिक प्रणोद है जो किसी निश्चित विषय वस्तु के प्रति निश्चित अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करती है, जबकि भाटिया साहब यह कहते हैं रुचि का अर्थ है अंतर करना अथवा लगाव रखना। अर्थात किसी निश्चित विषय वस्तु के प्रति जब हम क्या करते हैं, सामान्य वस्तुओं से उस वस्तु को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, और उसके बारे में हमें क्या होती है, पूर्व जागरूकता होती है, तब हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, यह हमारी क्या होती है, अभिरुचि होती है। दोस्तों इन सबके साथ साथ अभिरुचि के अगर प्रकार की चर्चा की जाए,
अब हम लोग अगर बात करते हैं अभिरुचि के प्रकार की, तो कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। किसी ने इसे कहा कार्यात्मक संरचनात्मक में डिफाइन किया है, और किसी ने इसे जन्मजात और अर्जित किया है। तो दोस्तों हम लोग दोनों फैक्ट पे बात कर लेते हैं। पहले तो हम लोग कार्यात्मक और संरचनात्मक पर बात कर लेते हैं, कार्यात्मक और संरचनात्मक पर बात कर लेते हैं, और फिर हम लोगों की बात होती है जन्मजात और अर्जित पर। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रकार, अर्थात ये प्रथम प्रकार हो गया, और द्वितीय प्रकार का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार का, जन्मजात और अर्जित। अर्थात इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारी जो अभिरुचि होती है कुछ जन्मजात होती है कुछ रुचि, और यहाँ पे बताया गया है कुछ कार्यात्मक होता है कुछ संरचनात्मक। अर्थात मनोवैज्ञानिकों ने इसका दो प्रकार से वर्गीकरण किया है दोस्तों, अभिरुचि का उन्होंने दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। पहला है कार्यात्मक अथवा कार्यात्मक तथा संरचनात्मक, यहाँ जन्मजात अथवा अर्जित। दोस्तों कार्यात्मक का तात्पर्य होता है कि जब हम क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर, जब हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाओं को करते करते, अर्थात क्रियाओं के तदुपरांत जब किसी निश्चित विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, कार्यात्मक अभिरुचि कहते हैं। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में हम लोग इसको बात करें तो यह क्या होता है, हमारे अर्जित रुचि से संबंधित होता है। अर्थात इसका निर्माण क्या होता है, वातावरण में होता है। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में हम लोग अर्जित अभिरुचि भी कह सकते हैं। कार्यात्मक से शब्द से ही पता चल रहा है कि जब हम किसी निश्चित विषय वस्तु या किसी कार्य को बार बार करने लगते हैं तो उसके प्रति हमें एक विशेष लगाव हो जाता है, और यही हमारी कार्यात्मक अभिरुचि होती है। दोस्तों संरचनात्मक से तात्पर्य है यहाँ पे आंतरिक पक्षों से, अर्थात जो उसकी संरचनाएं होती हैं उन संरचनाओं के आधार पर, अर्थात जो हमारी आंतरिक रुचि उत्पन्न हो जाती है वही क्या होती है, संरचनात्मक होती है। जैसे आप समझिए किसी विशिष्ट खेल में या किसी विशेष क्रिया प्रतिक्रिया में आपको विशेष आनंद मिलता है, और वह आपके क्या होती है, आंतरिक रुचि का हिस्सा होता है। जैसे किसी को शतरंज खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इस प्रकार की जब रुचि क्या होती है, हमारी आंतरिक होती है। अर्थात जब हमारी रुचि क्या होती है, आंतरिक होती है, और यह क्या होती है, हमारी रुचि आंतरिक होती है, तो इस प्रकार की रुचि को हम लोग संरचनात्मक कहते हैं। अर्थात यह क्या होता है, हमारी संरचना या हमारे मानसिकता का विषय होता है, और मस्तिष्क भी क्या हमारा है, संरचनाओं से निर्मित है। दूसरा क्या है, जन्मजात रुचि वह होती है जिसका संबंध हमारे वंशानुक्रम से होता है। अर्थात यहाँ पे वंशानुक्रम प्लस कह सकते हैं संस्कृति का योगदान होता है। अर्थात हमारे कुछ जीन में कुछ चीजें हमारी अभिरुचि को लेकर उत्पन्न होती हैं, और अर्जित जो होता है यह हमारे वातावरण और संस्कृति से संबंधित होता है। चूंकि संस्कृति ही निश्चित अभिरुचि के उदाहरण का, संस्कृति रुचि को विशेष तौर पर प्रभावित करती है, वह चाहे वंशानुक्रम का प्रभाव हो, लेकिन वंशानुक्रम के बाद भी संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ता रहता है। दोस्तों जन्मजात को थोड़ा सोचते हैं, जन्मजात अभिरुचि कैसी होती है, निश्चित तरीके से आपको थोड़ा सा परेशान करने का विषय होगा। जन्मजात रुचि अथवा जन्मजात अभिरुचि वह होती है जो हमें वंशानुक्रम में प्रदत्त मिलते हैं। अर्थात हमारे माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो होती हैं वह हमारे अंदर जब आत्मसात कर लेते हैं तो इस प्रकार की अभिरुचि को हम जन्मजात मानते हैं। चूंकि हम उस चीजों को जेनेटिक प्राप्त करते हैं, और जैसे ही उत्पन्न होते हैं हमारा संबंध एक निश्चित संस्कृति से होता है, और जिस प्रकार की संस्कृति होगी उसी प्रकार की अभिरुचि का आपका क्या होगा, विकास होगा। जैसे आप समझिए कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति दोस्तों एक बृहद संकल्पना है जिसमें रहन सहन खान पान वेशभूषा इत्यादि बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। अतः यह क्या होता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण संस्कृति से संबंधित होता है, जबकि अर्जित अभिरुचि जो होती है वह वातावरण प्लस संस्कृति से संबंधित होती है। इसके बारे में एक एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, इनके कहने का तात्पर्य यह है, पीडी पाठक साहब ने इस बात पर लिखा है कि मान लीजिए हम लोग क्या होते हैं, कोई व्यक्ति सात्विक परिवार में जन्म लिया, और जिसका संबंध उनके माता पिता का संबंध जो है धार्मिक कार्यों में रुचि है, और मंदिर में पूजा करना, अर्थात सारे के सारे लोग धार्मिक परिवार से हैं, उनके माता पिता भी धार्मिक थे, अर्थात उसे क्या हुआ, धर्म अर्थात धार्मिक क्रियाकलापों की जो क्रिया अनुक्रिया है वह उसे क्या हुआ, जेनेटिक प्राप्त हुआ। अतः जब वो बड़ा होगा तो उसके सारे उसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं या उसकी रुचि क्या निर्धारित होगी, सात्विकता को विशेष ध्यान करके अभिरुचि उसकी विकसित होगी।
जबकि अर्जित वातावरण सॉरी जबकि कोई तामसिक प्रवृत्ति या कोई शिकारी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, शिकार करने की ट्रेनिंग के बिना ही वो क्या करता है, शिकार में अभ्यस्त हो जाता है और उसका ध्यान उधर ही ज़्यादा विकसित होगा जिधर क्या करता है कि इस प्रकार की अनुक्रियाएँ शामिल होंगी, अर्थात वह क्या करेगा शिकार की तरफ उसका ध्यान निश्चित होगा, अर्थात वो क्या करेगा उस तरफ उस पर दिमाग उसका जाएगा। अतः अर्जित क्या होता है, अर्जित क्या होता है हमारे वातावरण में, अर्थात जब हम वातावरण में आकर बार बार क्रिया अनुक्रिया करते हैं और वातावरण से जब हमारे किसी रुचि का निर्धारण होता है तो इस प्रकार की रुचि या अभिरुचि को हम लोग अर्जित अभिरुचि कहते हैं। तो दोस्तों यह था आपका अवधान एवं अभिरुचि का टॉपिक, क्या नहीं समझ में आया और क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, क्या समझ में आई, निश्चित तरीके से आप कमेंट और अपने अवगत कराएं उसको, और जैसा भी लगा होगा दोस्तों निश्चित तरीके से अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।